रायगढ़ के वार्ड नंबर 6 में स्थापित मणिकंचन केंद्र का जिला कलेक्टर भीम सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे व निगम कर्मियों सहित महापौर जानकी कारजू मौजूद रहे, जहां कलेक्टर ने कार्यरत महिला सफाई कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं पास में प्रस्तावित बस स्टैंड में हुए अतिक्रमण को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया। वार्ड नंबर 6 में आज जिला कलेक्टर भीम सिंह निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे व निगम कर्मियों सहित महापौर जानकी कारजू व स्थानीय पार्षद संजय देवांगन भी वार्ड नंबर 6 में उपस्थित थे। कलेक्टर भीम सिंह ने मणिकंचन केंद्र का निरीक्षण कर वहां कार्यरत महिला सफाई कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। मणिकंचन केंद्र के पास स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड में हुए अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देशित किया। वार्ड नंबर 6 में स्थित कॉलोनी आशीर्वादपुरम की समस्याओं के बारे में जानने के बाद जिला कलेक्टर ने निगमायुक्त से पप्पू कॉलोनी के निगम के हेडवर्क होने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्थायी पार्षद द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में बाउंड्री वॉल बनाने की मांग जिला कलेक्टर से की गई, साथ ही साथ पहाड़ों से आने वाले पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करने हेतु भी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर भीम सिंह ने उपस्थित सभी अधीनस्थ अधिकारी गणों को स्पष्ट तौर पर कहा कि रायगढ़ जिले को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाना है। आज जिला कलेक्टर के औचक निरीक्षण में पहुंचने के बाद बेजा कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 6 के प्रस्तावित बस स्टैंड के आसपास सरकारी जमीन को कब्जा कर बेच दिया गया है। इसकी शिकायत के बाद 2019 में तहसीलदार द्वारा बेजा कब्जा करने वालों को निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए स्टे लगाया गया था। आज पुनः इस कब्जे की ओर प्रशासन की नज़र पड़ी है, जिसके बाद निगमायुक्त ने भी बेजा कब्जा हटाने के साथ ही साथ आशीर्वादपुरम कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं को सुन के जल्द ही संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस भेजने की बात कही है। अभी नगर निगम में मेरे ज्वाइन करने के बाद प्रत्येक दिन एक दिन एक वार्ड आपका नगर प्रशासन आपके द्वार, ऐसा इस तारतम्य में हम काम कर रहे हैं। स्वयं महापौर महोदया और मैं और संबंधित वार्ड के पार्षद जाकर वार्ड की मूलभूत जानकारी लेने के साथ वहाँ की समस्याओं और वहाँ की जो लोगों को जो परेशानियाँ हो रही हैं उस पर समीक्षा कर रहे हैं, तत्काल उसका निदान करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड क्रमांक 6 में हमारा दौरा था, जिसको कलेक्टर साहब के निर्देशन में संपन्न किया। कलेक्टर सर ने वहाँ जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है SLRM सेंटर, उसको देखा और वहाँ पर काफ़ी प्रसन्न भी हुए। वहाँ की व्यवस्था देखकर वहाँ जो कचरे का जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसके लिए उन्होंने कुछ हिदायतें भी दी और वहाँ जो वाहन है कचरे इकट्ठा करने के लिए, कचरे निपटान के लिए और जो मूलभूत उनको सामग्री दी जानी है, जो वाहन इंचार्ज हैं और जो हमारी स्वच्छता दीदी हैं उसके लिए निर्देश दिए। इसके बाद अमृत मिशन के तहत जो WTP प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लान, उसका भी कलेक्टर साहब ने दौरा किया और उसे काम में तेजी लाने के लिए और दिसंबर तक पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के निर्देश दिए। वार्ड में सफाई के लिए मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उसको बहाल करने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि अगले सोमवार से प्रतिदिन 3 वार्ड का चयन करके वहां पर जितने भी गार्बेज हैं, जिनके हिप हैं और जिनको जिलाधिकारियों के द्वारा भी चिन्हांकित किया गया है, उसे साफ करने का महाअभियान चालू किया जाएगा, जिससे कि एक बार में रायगढ़ शहर कम से कम 20 से 25 दिन में खुले में जो ढेर है उससे मुक्त हो सके। इसके लिए वृहद रूप से कार्य योजना बनाई जा रही है। स्थानीय पार्षद महोदय ने वहाँ कॉलोनाइजर कोई है जिसके द्वारा कॉलोनी वहाँ पर किया गया है, तो उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताया और साथ ही ये बताया कि उसमें कुछ परमिशन का इशू है, तो संबंधित कॉलोनाइजर के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसकी फाइल पे जो उसका अप्रूवल हुआ है उसमें किन किन दस्तावेजों की कमी है और उसके द्वारा किन किन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, बारीकी समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। जो भी वो प्रस्तावित बस स्टैंड है तो इस पे
किस प्रकार का संज्ञान ले लिया आपके कॉलेज में आने के बाद? बस स्टैंड के लिए अभी वहाँ के लोगों से और पार्षद की राय से उस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अगर वहाँ पर बस स्टैंड की आवश्यकता है तो साथ में मंगल भवन की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया, उसकी भी समीक्षा की जा रही है। इंक्रोचमेंट किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो इंक्रोचमेंट अगर रहवासी हैं उनको छोड़ के बरसात में भी बाकी चीज़ों पर कार्रवाई कर सकते हैं हम। इसलिए कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो या जो इंक्रोचमेंट के रूप में है या फिर कोई ऐसा स्थल जहाँ नगर निगम की परिसंपत्ति वहाँ अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमारा राजस्व और अतिक्रमण का तोड़ू दस्ता सब गठित किया जा चुका है जो लगातार हर रोज इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।